हेलो गुड मॉर्निंग ऑल, नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं डब्ल्यू जी अस्वाल और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने ही चैनल सीबीएसई वीडियो कोचिंग में। तो कैसा चल रहा है दोस्तों, उम्मीद है बढ़िया ही चल रहा होगा। सोडियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड तीनों में क्लोराइड आने के बावजूद भी सोडियम क्लोराइड का NaCl, बेरियम क्लोराइड का BaCl2 और एल्युमिनियम क्लोराइड का AlCl3 ऐसा क्यों होता है? यानी तीनों में क्लोराइड सेम है तो ClCl लिखना चाहिए, आखिर हम लोग एक में एक Cl, एक में दो Cl, एक में तीन Cl, आखिर ऐसा हम लोग लिखते क्यों हैं? तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ टू मेक एनी केमिकल फॉर्मूला, यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के सूत्रों को हम लोग कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। तो इसके लिए दोस्तों आइए चलते हैं, देखते हैं क्या चाहिए आपको। सबसे पहले चीज तो आपको तत्वों का चिन्ह पता होना चाहिए, यानी एलिमेंट्स का चिन्ह पता होना चाहिए कि कौन से तत्व को किस चिन्ह से लिखते हैं, और दूसरी उनकी सब्जेक्ट यानी वैलेंसी पता होनी चाहिए। ये दो चीजें आपको अगर पता है तो आप बड़े आराम से किसी भी केमिकल फार्मूला को यानी रासायनिक अभिक्रिया के सूत्रों को बना सकते हैं। देखिए ये कैसे आता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले सूत्रों को हम लोगों को संतुलित करना होता है, और संतुलित करने के लिए कई बार शब्द समीकरण को क्या करना पड़ता है, चिन्ह समीकरण बदलना पड़ता है। तो उसके लिए बहुत ही जरूरी है कि आप किसी भी लेवल में हो, लेकिन ये जरूरी है कि हम लोग आखिर ये फॉर्मूला बनाते हैं कैसे। आइए हम देखते हैं ये कैसे बनाए, ये आखिर बना कैसे है, क्यों NaCl है, क्यों BaCl2, क्यों AlCl3 है। आइए देखते हैं, इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, तत्व पता होना चाहिए, एलिमेंट्स पता होना चाहिए, फिर उसकी सब्जेक्ट वैलेंसी पता होनी चाहिए। आइए हम पहले देख लेते हैं क्या किया जाता है। हम जानते हैं Na यानी सोडियम का होता है, Na क्लोराइड का होता है Cl, ठीक है। Na की सजगता कितनी होती है, हमने यहाँ पे सजगता लिख दिया है। Na की वैलेंसी होती है 1, अगर आपको सजगता नहीं पता तो सजगता पहले पता कर लीजिए। Na की वैलेंसी होती है 1, और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, क्लोरीन की वैलेंसी भी होती है 1, यानी Na की +1 होती है, क्लोरीन की 1 माइनस होती है। दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कराया जाता है क्या बन जाता है इसका फॉर्मूला NaCl। बिल्कुल इसी तरीके से बेरियम का होता है, हम लोग का बेरियम का होता है 2+ और क्लोरीन का होता है 1-। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराया जाता है क्या बना लेता है हमारा BaCl2। बिल्कुल इसी तरीके से क्या होता है, एल्युमिनियम का होता है 3 और क्लोरीन का होता है 1, 3+ और क्लोरीन का 1- होता है, गुणा कराया जाता है क्या बना लेता है AlCl3। आई होप दैट जरूर समझ में आएगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि हम जानते हैं कि किसी भी यौगिक या कंपाउंड या तत्व ये पदार्थ में क्या होता है कि वो एक संतुलित आयनिक या एक संतुलित पदार्थ होते हैं। जैसे Na सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा अतिरिक्त आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन होता है, और इसके पास क्या होता है, क्लोरीन के पास एक कमी होती है। तो क्या होता है, जब ये जुड़ते हैं Na जुड़ता है, Na क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इसी तरीके से बिल्कुल क्या करता है, Ba के पास 2+ है आवेश है, उसको संतुलित करने के लिए कितने क्लोरीन के माइनस चाहिए, 2, यानी क्लोरीन के पास सिर्फ एक ही होता है, इसलिए 2 क्लोरीन क्या चाहिए, चाहिए ताकि ये Ba के प्लस आवेश को संतुलित कर ले। बिल्कुल इसी तरीके से एल्युमिनियम के पास 3+ आवेश होते हैं, उसको संतुलित करने के लिए क्या चाहिए, 3 क्लोरीन के माइनस। समझ में आया, नहीं समझ में आया, शुरू से देखते हैं तत्वों को देखते हैं और उसकी संयोजकता को। संयोजकता क्या होता है, व्हाट इज वैलेंसी, वैलेंसी क्या होता है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम्स इज कॉल्ड वैलेंसी, यानी संयोजकता क्या होता है, संयोजन करने की क्षमता को ही क्या बोलते हैं, संयोजकता बोलते हैं। यानी कोई भी तत्व या कोई भी एलिमेंट्स क्या कर सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं और दे सकते हैं अपने बाहरी कच्छ से, यानी ऑर्बिट से, उसी क्या बोलते हैं, उसकी संयोजकता करते हैं। जैसे सोडियम का 1 कैसे है, आइए देखते हैं सोडियम का 1 क्या है। आप जानते हैं सोडियम का परमाणु एटमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक क्या होता है, सोडियम का होता है 11, और सोडियम के पास ऐसे अष्टक भरते हैं, यानी सोडियम के पास एक क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। अब सोडियम क्या करता है, अपने को स्टेबल करने के लिए, अपनी को अस्थाई करने के लिए, जानते हैं दुनिया में सब कोई अस्थाई होना चाहता है, आप भी होना चाहते हैं, हम भी होना चाहते हैं, इस दुनिया में कोई भी इस तरह से फालतू में नहीं रहना चाहता। सोडियम अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करता है, अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट से क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता, त्याग देता है, क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, 5, 6, 7 और 9, यानी जो बाहरी में होता है एक इलेक्ट्रॉन, उसको क्या करता है, सोडियम त्याग देता है। तो ये क्या हो जाता है,
है सोडियम स्टेबल हो जाता है, स्थाई होता है। बिल्कुल उसी तरीके से क्लोरीन का देखेंगे, क्लोरीन का क्या होता है, क्लोरीन का होता है एटॉमिक नंबर 17 होता है, 17 होता है, तो क्या होता है 2, 8 और 6। अब क्लोरीन को अपना पूरा करने के लिए क्लोरीन क्या कर सकता है, 7 को त्यागे नहीं, बिल्कुल नहीं, क्यों डोनेट करेगा भाई, उसके पास 7 है ऑलरेडी, वो कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ले इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या करेगा, उसके पास उसकी ऑक्टेट क्या हो जाएगी, उसका अष्टक क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। देखते हैं कैसे होता है। यानी क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो देखिए कहां से लेता है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम के पास था वही क्या होता है, सोडियम का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन चला जाता है, इसीलिए क्या होता है, सोडियम के ऊपर Na+ आवेश होता है, क्लोरीन के ऊपर क्या होता है, माइनस आवेश होता है, यानी जितना उसके पास चार्ज होते हैं वही क्या होता है, उसकी वैलेंसी होती है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। आइए देखते हैं पहले जो होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, क्योंकि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ले सकता है। हीलियम, हीलियम पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम पहले से क्या है, स्टेबल है। कैसे स्टेबल है देखेंगे, हीलियम के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन है, तो हीलियम क्या है, स्टेबल है, इसको लोकेशन से लेना है, इससे मतलब ना देना सकते, इसलिए हीलियम की वैलेंसी संजक्ता क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि वो किसी से बैलेंस इसी के साथ वो जुड़ेगा ही नहीं, तो जुड़ेगा नहीं तो लेगा क्या, लेगा क्या, इसीलिए क्या होती है, इसको संयोजन करने की क्षमता कुछ होती नहीं है, इसलिए लास्ट में जो हीलियम यान आर्गन क्रिप्टॉन ज़ेनॉन रेडॉन ये जो गैस होते हैं उनको क्या बोला जाता है, नोबल गैस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नोबल गैस, यानी अप्रिय गैस हिंदी में इनको बोला जाता है। उम्मीद है अब तक की समझ में आया होगा। उसके बाद आता है लिथियम, लिथियम क्या होता है, 3, कैसे इसकी संयोजकता 1 हो गई, लिथियम क्या होता है 3, तो लिथियम का 3 होता है, पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 1, यानी एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, इसलिए लिथियम की वैलेंसी क्या हो गई, 1 हो गई। बेरिलियम क्या होता है 2, बेरिलियम क्या होता है 4 होता है, तो पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे कक्ष में 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, इसलिए क्या होता है, बेरिलियम की वैलेंसी 2 हो गया। आई होप दैट समझ में आ रहा होगा। बोरान, बोरान क्या होता है, बोरान का होता है 5, तो बोरान का 5 होता है, तो क्या होता है, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, इसलिए क्या होता है, बोरान की वैलेंसी 3 होती है। जानते हैं कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है 6 इलेक्ट्रॉन, पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 4, इसलिए क्या होता है, इसकी वैलेंसी 4 होती है। अब बात आती है आगे की, नाइट्रोजन को होता है 3 कैसे, नाइट्रोजन का तो 7 होता है, यानी मान लेते हैं नाइट्रोजन का क्या होता है, 7 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, अरे उस कार्बन के बाद तो क्या होता है, पहले का 2, दूसरे का 5। अब देखिए क्या होता है, अब क्या होता है, अपने ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए, स्टेबल होने के लिए ऑक्सीजन को पूरा करने नाइट्रोजन क्या चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और क्या बना लेते हैं, माइनस बनाते हैं, इसलिए नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। उसी तरीके से ऑक्सीजन की 2 होती है, क्योंकि ऑक्सीजन का होता है 8 और ऑक्सीजन के अष्टक में ऐसे बढ़ते हैं 6 इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से चाहिए होते हैं, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, माइनस 2 होता है, इसलिए ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। इस तरह का क्लोरीन का 1 होता है, नियॉन का 0 होता है, क्योंकि नियॉन क्या है, नोबल गैस है, नोबल गैस ना किसी से रिएक्ट करता है। इसी तरीके से सोडियम को बताइए 1 होता है, मैग्नीशियम का 2, एल्युमिनियम का 3 वैलेंस, सिलिकॉन का 4, फास्फोरस दोनों दिखाता है 3 और 5 दोनों वैलेंस होते हैं, सल्फर का 2, क्लोरीन का 1 और आयरन का 0। आई होप दैट ये जरूर समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं कैसे किसी फार्मूला को बनाया जाता है, बहुत सिंपल है देखेंगे। उससे पहले हम लोग क्या समझ लेते हैं, उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं आयंस कैसे होते हैं, कैसे इसके ऊपर आवेश आ रहा है, क्या हो रहा है, आखिर क्यों हो रहा है। आइए चलिए, आयंस दो तरह के होते हैं, आयंस क्या होते हैं, आयंस आर, आयंस कहते हैं आयंस, आयंस क्या होते हैं, पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज एटम आर कॉल्ड आयंस, यानी पॉजिटिवली चार्ज या निगेटिवली चार्ज एटम्स को क्या होते हैं, आयंस बोलते हैं। तो आयंस दो तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, केटायंस और एनायंस। केटायंस क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और एनायंस क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, यानी केटायंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, एनायंस क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। देखिए कैसे पॉजिटिव चार्ज बनते हैं, जैसे बताया था अभी सोडियम का प्लस होता है, कैसे होता है, सोडियम Na क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है,
त्याग देता है तो क्या बना रहता है एन ए प्लस, ये कैसे प्लस आ जाता है, कैसे प्लस आता है ये उसको भी समझते हैं कैसे प्लस आता है। हम जानते हैं सोडियम में कितना होता है, सोडियम का परमाणु एटमिक नंबर एक परमाणु क्रमांक कितना होता है 11 होता है 11 होता है। तो सोडियम के अंदर क्या होते हैं, सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन होते हैं और 11 क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये नहीं समझ में आ रहा तो जरा ध्यान दीजिए क्या होता है, ऐसे समझ लीजिए प्रोटॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, क्या बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं निगेटिव चार्ज। समझ में आ रहा है, चलिए अब देखिए इलेक्ट्रॉन एक त्याग चुका है, यानी हम लोग का एक इलेक्ट्रॉन सोडियम त्याग चुका है, प्रोटॉन को त्यागने की तो क्षमता है नहीं इसके पास, ये क्या त्यागेगा इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो माइनस वाला एक चार्ज क्या कर चुका है डोनेट कर चुका है, यानी यहाँ पर तो जीरो होता है सर, समझ जाइए ये पहले वाला बता रहे हैं न्यूट्रल तत्व की बात बता रहे हैं। अगर मान लीजिए प्रोटॉन ये क्या किया है 11 है यानी प्लस चार्ज है, और त्यागने के बाद के कितने निगेटिव चार्ज हो गया 10 हो गया, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज अधिक हो गया है इसलिए इसके ऊपर क्या आता है प्लस चार्ज आ गया। समझ में आई होप दैट कि जरूर समझ में होगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से एक जो प्रोटॉन होता है उसका चार्ज हावी हो जाता है, इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं इसको एन ए प्लस लिखते हैं। समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा, उम्मीद है जरूर समझ में आया होगा। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, नहीं एक मेटल्स क्या होते हैं इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं डोनेट करते रहते हैं, इसलिए क्या होता है उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता रहता है। तो कैटायन समझ में आया पॉजिटिव चार्ज कैसे करते हैं, आइए हम देखते हैं एन आयंस क्या होता है, एन आयंस को हम लोग समझेंगे। चलिए ये नोट तो करना नहीं है, नोट करना है तो कर सकते हैं, वैसे हम इसको मिटा दे रहे हैं ताकि आपको आगे एन आयंस समझा जा सके। देखिए एनायंस क्या होते हैं, अभी हमने बताया था क्लोरीन का एग्जांपल देकर कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनाता है सीएल माइनस, यानी क्लोरीन का एनायन बनाता है, यानी क्या है क्लोरीन का एनायन। समझ में आया क्लोरीन का क्या है एनायन, आइए देखते हैं क्लोरीन के ऊपर जानते हैं हम लोग क्या होता है, क्लोरीन का एटमिक नंबर 17 होता है 17 होता है, तो क्लोरीन के पास कितने होते हैं 17 प्रोटॉन होते हैं, मतलब क्या पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और क्या होते हैं क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, यानी क्या होते हैं निगेटिव चार्ज भी होते हैं, ये न्यूट्रल वाली बात बता रहा है, इसलिए 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन जीरो करते हैं यानी इसके ऊपर चार्ज नहीं होता है। बाद में देखेंगे क्या होता है, क्लोरीन ने क्या किया है एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो क्या बना लिया है क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो उसके ऊपर क्या हो गया है क्लोरीन के पास 18 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, यानी क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन अधिक हो चुका है, इसीलिए क्या होता है इसके ऊपर 1 माइनस का आवेश यानी चार्ज आ जाता है। अयोध्या की समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है बहुत अच्छे, तो ऐसा आपको समझ में आएगा कि क्यों हम लोग प्लस लिखते हैं क्यों माइनस लिखते हैं, ये सब इलेक्ट्रॉनों का खेल। चलिए आगे देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग भी करते हैं, जैसे हम लोग के ऑक्सीजन साहब भी ऐसे ही करते हैं, ऑक्सीजन साहब क्या बोलते हैं ऑक्सीजन साहब 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या कर लेते हैं ऊपर 2 माइनस कर लेते हैं। इसी तरीके से हम लोग नाइट्रोजन साहब करते हैं, क्या करते हैं नाइट्रोजन यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या होता है उनके ऊपर और सही 3 माइनस का आवेश आ जाता है। तो इतना समझ में आया, अब लोग देख लेते हैं कि कुछ आयनिक एलिमेंट्स और उसके ऊपर वैलेंसी, ये तो आपको समझ में आ गया, आप चाहे तो वैलेंस बना सकते हैं, लेकिन आपको कुछ और चीजें बता दे रहे हैं कि आयनिक कैसे हम लोग डिराइव करते हैं उसको, कैसे फॉर्मूला बनाने में वो हेल्प करते हैं उसको देख रहे हैं। ये सब बहुत ही बेसिक लेवल है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आप इसको समझ गए तो फॉर्मूला बनाना आपका क्या हो गया फेल हो गया, आप फॉर्मूला बहुत आसानी से बना सकते हैं, ये आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। बहुत सारे बच्चे
हाई स्कूल में क्वेश्चंस करते हैं कि आखिर ये फॉर्मूला बनता कैसे, आखिर क्यों ये एक ही सीएल है, दो सीएल है, तीन सीएल है, क्यों कैल्शियम होने के बावजूद भी ऐसा क्यों होता है। तो ये बिल्कुल वैलेंसी और मेटल की खेल होता है। क्या होता है? वैलेंसी वैलेंसी मेटल खेलते रहते हैं, किसी के साथ दूसरी वैलेंसी खेल लेते हैं, किसी के साथ दूसरी वैलेंसी खेल लेते हैं, बस इतना ही है। देखते हैं आगे चलते कि कुछ नेम है, कुछ सिंबल है, उसको बता दे रहे हैं क्या होता है। जैसे सोडियम मोनोवेलेंट और डाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट, इसको भी हटा दे रहे हैं। आपने ये समझ गया है क्यों होता है ऐसा। बात कर रहे हैं हम लोग मोनोवेलेंट की, यानी मोनोवेलेंट यानी जिसकी वैलेंसी क्या होती है, एक होती है, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोवेलेंट। ठीक, किसकी किसकी वैलेंसी एक होती है, वन वैलेंसी को हम लोग मोनोवेलेंट, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो इससे मतलब नहीं होती। वैलेंसी मतलब क्या, बस वैलेंसी से मतलब होता है, वैलेंसी प्लस में हो सकता माइनस में हो सकता है, इससे कोई हम लोग को कोई मतलब नहीं होता। तो आइए देखते हैं कैसे क्या होता है। सोडियम का, सोडियम का लेते हैं, सोडियम का कितना होता है, सोडियम का होता है Na प्लस होता है। बात करेंगे हम लोग पोटेशियम की, पोटेशियम का भी क्या होता है, के प्लस होता है। अमोनियम, अमोनियम का लेंगे, यहाँ पे चाहे तो उसका नाम भी लिख सकते, चलते हैं चलिए नाम लिख देते हैं, सोडियम पोटेशियम और अमोनियम। अमोनियम में क्या होता है, NH4 प्लस होता है। अमोनियम में क्या होता है, NH4 प्लस होता है। चलिए सही है। सिल्वर का क्या होता है, सिल्वर का Ag प्लस होता है। ध्यान से देखते चलेंगे यहाँ पे क्या है, सारे के सारे आपको मेटल दिखाई दे रहे हैं, यानी पॉजिटिव में सारे के सारे क्या होता है, मेटल होता है। कॉपर, कॉपर का क्या होता है, कॉपर का भी वन होता है लेकिन Cu प्लस होता है। लेकिन कई बार कॉपर क्या करता है, एक दूसरी वैलेंसी दिखाता है, इसलिए इसको रेड से मार्क कर दे ताकि आपको समझने में आसानी हो। हाइड्रोजन का क्या होता है, हाइड्रोजन का होता है, जानते हैं क्या होता है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का होता है H प्लस। लेकिन वहीं पर जब हाइड्राइड की बात करते हैं तो हाइड्राइड क्या होता है, हाइड्राइड होता है H माइनस। क्या होता है, एच माइनस होता है। हाइड्राइड क्या होता है, एच माइनस होता है। बात करेंगे हम लोग इसी तरीके से फ्लोराइड की, जितने भी यहाँ पे आते हैं फ्लोराइड क्या होते हैं, ये माइनस होते हैं। बात करेंगे दूसरे चीजों की, जैसे क्लोराइड की, क्लोराइड की क्या होती है, Cl माइनस होता है। ब्रोमाइड की बात करेंगे तो ब्रोमाइड क्या होता है, Br माइनस होता है। मतलब सबके ऊपर क्या होता है, वन वैलेंसी होता है। बताया था जितना चार्ज होता है वही क्या होता है, उसका वैलेंसी होता है। तो ब्रोमाइड के ऊपर क्या होता है, वन चार्ज है, इसलिए क्या है, ब्रोमाइड भी की भी वैलेंसी वन है। बात करेंगे आयोडाइड की, तो आयोडाइड का भी क्या होता है, आई माइनस होता है। तो समझ में आ रहा है, आयोडाइड के समझ में आ रहा होगा। अब देखेंगे दूसरी चीजों को लेकर, यानी हम देखेंगे आयोडाइड हो गया, आयोडाइड के बाद देखेंगे हम लोग हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, हाइड्रोक्साइड का आप लोग जानते हैं, हाइड्रोक्साइड को हम लोग लिखते हैं ओ एच माइनस होता है, इसका भी वन ही होता है। हाइड्रोक्साइड के बाद देखेंगे नाइट्रेट का, नाइट्रेट का क्या होता है, नाइट्रेट का होता है NO3 प्लस होता है, सॉरी NO3 माइनस होता है। नाइट्राइड की भी बात करेंगे, नाइट्राइड का NO2 माइनस होता है, NO2 माइनस होता है। और बात करेंगे हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग बाई कार्बोनेट बोलते हैं, यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट को लिखते हैं हम लोग SCO3 माइनस, SCO3 पे क्या होता है, माइनस होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही हम लोग कई बार बाई कार्बोनेट आयन भी कहते हैं, बाई कार्बोनेट आयन भी कहते हैं। ठीक है, मरकरी की बात करेंगे तो मरकरी, मरकरी का होता है Hg1, यानी मरकरी के पास भी दो तरह के वैलेंसी होते हैं, एक होता है Hg+, आगे बताएंगे क्या होता है, यानी मरकरी भी एक्सेप्शन में आता है, जैसे कॉपर का दो वैलेंसी होता है, उसी तरह से मरकरी का भी दो वैलेंसी होता है। आई होप दैट आपको ये जरूर समझ में आया होगा। ये क्या था, मोनोवेलेंट था, यानी जिसकी वैलेंसी क्या होती है, वन होती है। ये सारे सारे चीज आपको पता होना चाहिए, तभी आप आराम से फॉर्मूला बना सकते हैं। यानी बात किया जाएगा अगर
किसी फॉर्मूला की नाइट्रेट की तो आप लोग क्या देखेंगे NO3 होता है, नाइट्राइड की तो NO2 होता है। ये सब चीजें आपको कंठस्थ याद रहना चाहिए तभी आप फॉर्मूला बनाने में मदद कर सकते हैं, यानी हेल्प कर सकते हैं। बात करेंगे हम लोग दूसरा डाइवेलेंट की। डाइवेलेंट क्या होता है, जिसकी वैलेंसी दो होती है, टू होती है, उसको क्या बोलते हैं डाइवेलेंट कहते हैं। प्लस माइनस से कोई दिक्कत नहीं है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, लेकिन उसकी वैलेंसी क्या होनी चाहिए, टू होनी चाहिए। जैसे बात करेंगे हम लोग मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम का होता है Mg2+, मैग्नीशियम प्लस क्यों आता है, क्योंकि ये मेटल है इसलिए प्लस आता है। कैल्शियम की बात करेंगे हम लोग, कैल्शियम का भी क्या होता है, कैल्शियम का भी Ca2+ होता है। और हम लोग लेंगे दूसरा चीज आयरन का, आयरन का आपको बताए थे, नहीं बताए थे तो ध्यान देंगे। आयरन का, आयरन की वैलेंसी Fe2+ भी होता है। इस तरह के आयरन दो तरह की वैलेंसी को शो करता है, इसीलिए आयरन भी एक एब्सॉर्प्शन में आता है, जिसकी वैलेंसी 2 होती है उसको हम लोग फेरस आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेरस आयन बोलते हैं। और याद रखिए जब फेरस की बात आएगी हम लोग आयरन की वैलेंसी कितनी लेंगे, 2 ही लेंगे। आगे समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। आगे देखेंगे, मैंने बताया था कॉपर की दो वैलेंसी होती है, तो यहाँ पे जो कॉपर होगा, जो यहाँ पे उसकी 2 वैलेंसी होगी, यानी Cu क्या होगा, 2+ में आएगा, यानी यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी क्या है, 2 है। ये क्या दिखाता है, उसका वैलेंसी दिखाता है। हम बात करेंगे आगे ऑक्साइड की। ऑक्साइड मतलब O पर क्या होता है, 2- होता है, यानी वैलेंसी क्या होती है, 2 की होती है। ऑक्साइड के बाद हम लोग लेंगे सल्फाइड की, तो सल्फाइड का भी क्या होगा, सबकी बात क्या हो रही है, 2 की बात हो रही है, तो सल्फाइड का भी वैलेंसी 2 होता है। बात करेंगे हम लोग कार्बोनेट की, कार्बोनेट का क्या होता है, CO3 पे 2- होता है। हम लोग अगला चीज लेंगे, कार्बोनेट के बाद होता है सल्फाइड। सल्फाइड का क्या होता है, सल्फाइड का होता है SO3 पर 2-। आगे लेंगे हम लोग सल्फेट, सल्फेट का क्या होता है, SO4 पर 2-। ये जरूर ध्यान देते चलेंगे ताकि फॉर्मूला बनाने में आपको आसानी होगा। बात करें हम लोग मरकरी की, मरकरी का मैंने बताया है कि मरकरी दो तरह की वैलेंसी को दिखाता है, यहाँ पे मरकरी हम लोग लेंगे, मरकरी तो क्या होगा, मरकरी सेकेंड का मतलब इसकी वैलेंसी 2 होता है, Fe2+ होता है, यानी मरकरी यहाँ पे 2 होता है। चलिए ये डाइवेलेंट समझ में आ गया आपको, बहुत अच्छे डाइवेलेंट समझ में आ गया, तो हम लोग आगे देखेंगे ट्राइवेलेंट, यानी जिसकी वैलेंसी क्या होती हो, 3 होती हो, उसको क्या बोलते हैं, ट्राइवेलेंट बोलते हैं। ये समझ में आ रहा है, ये मैंने साइड में लिखा है, मैंने कैसे देख के बता दी इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी आवेश को देखते हैं, चार्ज को देखते हैं, इसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। समझ में आ रहा है, आई होप दैट आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर पूछेंगे, नहीं समझ में आया क्या, नहीं समझ में आया, मैं उम्मीद करूँगा आपको फिर से उसको बताने के लिए, दूसरे वीडियो में बताने के लिए आपको नहीं आ रहा तो कमेंट जरूर करेंगे। ट्राइवेलेंट में हम लोग देखेंगे जिसकी वैलेंसी 3 होती है, तो सबसे पहले आपका इसमें एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का क्या होता है, एल्युमिनियम का Al3+, यानी एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, एल्युमिनियम वैलेंसी होती है Al3+। बात करेंगे दूसरे चीज़ों की, तो हम लोग आयरन बताए थे, आयरन चलता है एक्सेप्शन में, तो जिस आयरन की वैलेंसी 3 होती है, यानी आयरन जो थर्ड वैलेंसी होता है उसको हम लोग विनोट करते हैं Fe3+ से, और उसको हम लोग क्या कहते हैं वो भी जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत बार मिसकंसेप्शन हो जाता है बच्चों को, समझ नहीं पाते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फेरिक आयन। यानी जब बात होगी फेरिक आयन की तो हम लोग क्या लेंगे, आयरन की वैलेंसी 3 ही रखेंगे। नाइट्राइड की बात करेंगे तो नाइट्राइड का होता है Na3-। ऐसे ही हम लोग बात करेंगे फॉस्फाइड की, तो फॉस्फाइड का क्या होता है, P3- होता है। और बात करेंगे हम लोग फॉस्फेट की, तो फॉस्फेट का क्या होता है, PO4+3- होता है। आई होप दैट आपको जरूर समझ में आ रहा होगा, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। टेट्रावेलेंट की बात करेंगे, तो टेट्रावेलेंट क्या होते हैं, जिसकी वैलेंसी 4 होती है, तो माना जाता है फिलहाल कार्बन ही है जिसकी वैलेंसी क्या है, 4 है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। आई होप दैट ये आपको जरूर समझ में आया होगा, ये पूरा का पूरा आपको वैलेंसी और ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप चाहते हैं अच्छे से समझ, इसको
प्लीज एक बार क्या कीजिए, या तो नोट कर लीजिए और नहीं तो क्या कीजिए, मैं आ चुका हूँ। आप चाहे तो मोबाइल में इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये किसी भी फार्मूला को बनाने में एट द लेवल ऑफ क्लास 10। कम से कम इंटरमीडिएट पे भी हेल्प करेगा, कहीं भी हेल्प करेगा, आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कि कैसे किसी फार्मूला को हम लोग बनाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आई होप दैट कि आप जरूर इसको नोट कर लेंगे। अगर नोट कर रहे हैं तो पूछ करके मोबाइल को या यूट्यूब को पूछ करके वीडियो को देख लीजिए, नोट कर लीजिए, और नहीं तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। आई होप दैट कि आपने कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे आगे फार्मूला, हाउ टू मेक एनी केमिकल फार्मूला, किसी केमिकल फार्मूला को कैसे बनाते हैं। यहाँ पे थोड़ा जगह चले इसी में बता दे रहे हैं दो फार्मूला। जैसे बात कर लेते हैं हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है। और जानते हैं हाइड्रोजन को क्या किसे सिंबल बताया था, सिंबल जानना बहुत जरूरी है, चेंज जानना जरूरी है, उसके बाद उसकी वैलेंसी जानना जरूरी है। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, चेंज क्या होता है, यह चलता है। क्लोराइड को हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, सीएल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर नहीं आ रहा तो आप यहाँ देख सकते हैं, अभी मैंने लिखा है नहीं है क्लोराइड, कहाँ हो क्लोराइड होगा, देख रहा है क्लोराइड का क्या है, सीएल। चलिए अब इसकी वैलेंसी देखते हैं, वैलेंसी क्या होता है। हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है वन, कहाँ हाइड्रोजन यार, हाइड्रोजन यहाँ पे वन है, यही वन प्लस है, क्लोरीन का क्या है वन माइनस है, इससे कोई मतलब नहीं कि उसके क्या प्लस है क्या माइनस है, उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं ये क्या बन जाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला। इससे आसान है, बहुत आसान है। आगे देखते हैं किसी और फॉर्मूला को लेके थोड़ा सा कप उठाते हैं और क्या ले लेते हैं, दूसरा चीज रख लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग, ले लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का देखेंगे क्या होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम का क्या होता है, मैग्नीशियम का देखेंगे एमजी होता है, और उसके साथ साथ उसकी वैलेंसी देखें, बताया मैंने चार्ज यानी उसके आवेश को उसकी वैलेंसी कहा जाता है। यहाँ पे इसकी वैलेंसी दो होती है क्लोराइड का, आप ऑलरेडी जानते हैं क्लोराइड का क्या होता है, सीएल होता है, उसकी वैलेंसी वन होती है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है, क्या बनेगा फॉर्मूला, आई होप दैट आप लोग बताना पसंद करेंगे, क्या बनेगा MgCl2, क्या बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2। आसान है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, लगाएंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। आगे देखते हैं कैल्शियम क्लोराइड की, किसकी, कैल्शियम क्लोराइड की, कैल्शियम क्लोराइड का भी क्या होगा फॉर्मूला सेम होगा, क्या होता है कैल्शियम क्लोराइड का, कैल्शियम यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं कैल्शियम, कैल्शियम का कितना होता है, कैल्शियम का होता है सी ए, और कैल्शियम कहाँ हो गया, कैल्शियम का टू, और उसका क्या होता है फॉर्मूला CaCl2। समझ में आया, आई होप दैट जरूर समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आई होप दैट आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ ये आपको जरूर बताऊंगा पूरा का पूरा, एट द एंड 100% आपको क्लियर हो जाएगा कैसे फॉर्मूला बनाते हैं। आप किसी भी लेवल पर चले जाइए, 9th 10th में चले जाएं, 11th 12th में चले जाएं, ग्रेजुएशन करें, BSc करें या IIT करें, कुछ भी करें, केमिस्ट्री लेंगे तो ये बेसिक है, आपको ये सब जानना जरूरी है, तभी क्लियर हो जाएगा, आपको हमेशा बेनिफिट मिलेगा उसको। अच्छा बात कर लेते हैं हम लोग एक्सेप्शन की कुछ, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग फेरस क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड का, यानी फेरस क्लोराइड और बात करेंगे हम लोग फेरिक क्लोराइड, जैसे बताया था फेरस और उसको क्या बोलते हैं फेरिक बोलते हैं। बहुत बार ये भी कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि ये क्यों ऐसा होता है, ये क्यों ऐसा होता है, समझ में आता है क्योंकि केमिस्ट्री में बेसिक चीजें क्लियर नहीं होती है और इसी वजह से समझ में नहीं आता। फेरस क्लोराइड यानी फेरस का जानते हैं, फेरस की वैलेंसी कितनी होती है, कितनी होती है, दो होती है, और फेरस को रिप्रेजेंट करते हैं Fe से, क्लोराइड को Cl से, और क्लोराइड की वन होती है। हम जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है फेरस क्लोराइड का, अब बोलेंगे कितना होता है FeCl2। मजा आ रहा है, आई नो दैट बहुत मजा आ रहा होगा। फेरिक क्लोराइड, फेरिक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फेरिक को Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोराइड को Cl से रिप्रेजेंट करते हैं। फेरिक का कितना होता है, 3 वैलेंसी होता है, क्लोराइड का 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या बनाता है ये FeCl3। आई होप दैट आपको जरूर समझ में आएगा कि
ये फेरस क्लोराइड क्यों एफिशिएंट नहीं होता, फेरिक क्लोराइड क्यों एफिशिएंट नहीं होता। समझ में आ रहा तो यार लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ, अभी आगे चलेगा, बहुत मजा आएगा। इसी के साथ हम लोग आगे भी लेंगे, क्या है हम लोग लेते हैं दूसरा कुछ इसी में लिया जाए वैसा कि थोड़ा सा चेंज कर लें। चलिए आगे देखते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या लेते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। जानते हैं कार्बन का क्या होता है, कार्बन क्लोराइड ले सकते हैं। कार्बन का वैलेंसी होता है, कार्बन को सी से प्रेरित करते हैं, क्लोराइड को सीएल से, कार्बन का होता है और सीएल का होता है और कार्बन डिप्लाई करा देते हैं, क्या बन जाता है सी सीएल और बन जाता है। चलिए आगे कुछ और एक्सेप्शनल वाले केस लेते हैं। एक्सेप्शनल केस वाले क्या है, बात किए थे हम लोग ने कॉपर की, तो कॉपर का हम लोग कुछ फॉर्मूला लेते हैं कैसे कॉपर वाला एक्सेप्शनल केस कैसे बनता है। तो देखेंगे हम लोग कॉपर का वाला केस क्या ले सकते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड और क्यूप्रिक ऑक्साइड। यहाँ पर ध्यान देंगे ये जो वैलेंसी जिसकी क्या होती है वन होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्यूप्रस आयन, और इसकी वैलेंसी दो होती है उसको क्या बोलते हैं क्यूप्रिक आयन। समझ में आया, यानी जब वैलेंसी दो हो जाती है कॉपर की तो उसको क्यूप्रिक बोलते हैं, जब एक रहती है तो उसको क्या बोलते हैं क्यूप्रस आयन बोलते हैं। तो बात करेंगे हम लोग क्यूप्रस को एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए ले लेते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड का। तो हम लोग जानते हैं क्यूप्रस का क्या फॉर्मूला होता है, क्यूप्रस का फॉर्मूला होता है Cu, और ऑक्साइड का क्या होता है देख लेते हैं। ऑक्साइड महाराज कहाँ हो, हेलो कहाँ हो, ऑक्साइड ऑक्साइड का कितना है दो है, ठीक सॉरी ऑक्साइड का दो है लेकिन ऑक्साइड को लिखते किससे ओ से लिखते हैं। क्यूप्रस का कितना होता है वैलेंसी वन होता है, ऑक्साइड का होता है दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं क्या बन जाता है, क्या बनता है Cu2O, क्या बनता है Cu2O कन्फर्म होगा क्यूप्रस ऑक्साइड का। और बात कर लिया जाए और यहीं पे क्या होता है क्यूप्रस के जगह पे अगर क्या होता क्यूप्रिक का भी फॉर्मूला होता Cu, लेकिन इसकी वैलेंसी चेंज हो जाती क्या हो जाती टू हो जाती और क्या बना लेती Cu2O2। लेकिन ध्यान देंगे ऐसा नहीं लिखते Cu2O2 नहीं लिखते, एक नियम कहता है कि जब सेम सेम रेशियो में होते हैं कोई भी एलिमेंट तो कैंसिल हो जाते हैं और क्या बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ सिंगल Cu, यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है Cu2O होता है। आई होप दैट आपको समझ में आ रहा होगा, और ऐसे ही आप किसी भी चीज का फॉर्मूला बना सकते हैं, आप भी ही जब कितना भी मन करे उतना फॉर्मूला बना सकते हैं। चलिए दूसरा ले लेते हैं, आप कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कोई दूसरा जैसे फास्फोरस ट्राइऑक्साइड। तो फास्फोरस का पी होता है, ऑक्साइड का ओ होता है, फास्फोरस का कितना होता है वैलेंसी तीन होता है, फास्फोरस का क्या होता है तीन होता है, ऑक्साइड का कितना होता है हेलो 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 दो होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे क्या हो जाता है P2O3, यानी फास्फोरस ट्राइऑक्साइड का क्या होता है P2O3 होता है। उदाहरण के समझ में आ रहा होगा, कोई दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम लेते हैं बहुत होंगे ये सब ऑक्साइड ऑक्साइड, कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, किसका लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, ये थोड़ा अच्छा है बड़ा अलग होता है लग रहा है। कैल्शियम का कितना होता है हेलो यार कैल्शियम यहाँ पे है, कैल्शियम का कितना होता है कैल्शियम को लिखते हैं CaCl, और इसकी वैलेंसी होती है दो कार्बोनेट ये कार्बोनेट रहा है, कार्बन किसे लिखते हैं CO3 से, और इसकी वैलेंसी कितनी है उसकी भी दो ही होती है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई जब होगा तो यहाँ पे क्या बनाना चाहिए था इसको Ca2CO3, और ध्यान देंगे जब ये मल्टीप्लाई होता है तो ये जो कंपाउंड होते हैं उसको हम लोग ब्रैकेट में लिख के मल्टीप्लाई करते हैं। और मैंने बताया था क्या नियम काम करता है,
रेशियो के नियम काम करता है, क्या होता है जब कैंसिल हो जाता है, क्या होता है फॉर्मूला सी ए सी यू थ्री, यानी कैंसिल कराऊंगा फॉर्मूला सी ए सी यू थ्री। आई होप दैट आपको जरूर समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा तो जरूर अपने दोस्तों के साथ ये शेयर कीजिएगा, और अगर इस चैनल पर नए आ गए हैं, बुला बटन के चले हैं, तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे एजुकेशनल वीडियोस हर संडे को आपको मिलती रहती है, जिससे आपका नॉलेज बढ़ता रहता है। चलिए दूसरा ले लेते हैं, मान लेते हैं हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, किसका लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम का कितना होता है, सी ए का कितना होता है जानते हैं, कैल्शियम को सी ए से लिखते हैं, इसका टू होता है, हाइड्रोक्साइड को ओ एस लिखते हैं, और हाइड्रोक्साइड का कितना होता है वन होता है, कार्बन मल्टीप्लाई करते हैं, कितना होता है सी ए ओ एच का ट्वाइस बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला सी ए ओ एच का ट्वाइस बन जाता है। चलिए जल्दी से दूसरा कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, एल्युमिनियम सल्फेट, किसका लेते हैं एल्युमिनियम सल्फेट, चलिए लेते हैं एल्युमिनियम। बहुत सिंपल देखा है, बस आपको क्या पता होना चाहिए कि इस एल्युमिनियम का सिंबल कितना होता है, क्या होता है एल्युमिनियम का सिंबल होता है Al, और सल्फेट का क्या होता है, और एल्युमिनियम को वैलेंस शीट पे देखेंगे, एल्युमिनियम की वैलेंस तीन होती है, सल्फेट 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 का SO4 होता है, SO4 इसकी वैलेंस कितनी होती है, इसकी चार्ज माइनस दो होती है, इसका क्या होता है दो होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या बन जाता है Al2SO4 का जानते हैं जो मल्टीप्लाई होता है, और जब पॉलीएटमिक होता है तो क्या करना है उसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, कोष्ठक में लिख लेते हैं, और उसके बाद यानी Al2SO4 का ब्रैकेट। आई होप दैट दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जितना हो सके व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक ग्रुप जहाँ कर सकते हो कर दीजिए, और अगर इस चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब किए बिना ना जाना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, सब आके हैं।